डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 7.6 को क्वेश्चंस को देख रहे हैं, एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चंस को। तो एक्सरसाइज 7.6 में अगर क्वेश्चंस का बात किया जाए, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक के दिए थे आप लोगों को बनाने के लिए। आई होप कि सभी लोग इसको बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 10 से डिस्कस करते हैं। हालांकि सभी क्वेश्चन इसमें एक ही तरीके से हैं, सब में आपको यू इंटू वी का इंटीग्रेशन ही लगाना है। अब यू इंटू वी अगर इंटीग्रेशन लगाना सीख गए होंगे आप लोग, तो यू इंटू वी अगर लगाना सीख गए होंगे तो फिर कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि उसके लिए भी आपको काम करना पड़ेगा, इलेट रूल, इलेट रूल को लगाना सीखना पड़ेगा। खैर, वो सब भी प्रैक्टिस करने से चीजें आ जाएंगी। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कि क्वेश्चन नंबर 10 कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, 10 में क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स एक्स और पूरा का क्या है स्क्वायर, और इसको करना है इंटीग्रेशन। तो हम करेंगे क्या, जब अकेला कोई रहे, अब यहां तो आपको लग रहा होगा कि खाली साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर है, तो जब कोई अकेला फंक्शन रहे, एक फंक्शन रहे, तो आप उसमें एक से गुना कर दीजिए। जैसे हम बोलेंगे कि 10 रुपया है मेरे पास, तो अगर आप एक से हमको में गुना कर दीजिए तभी तो 10 ही रुपया रहेगा। लेकिन हम लोगों को दो फंक्शन बन गया, और दो फंक्शन इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे लगाना है बाईपार्ट रूल, और बाईपार्ट रूल वही लगता है जब दो फंक्शन गुना में होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है और इनटू में 1 और इनटू में dx। आप देख पा रहे होंगे कि u और v दोनों किस में है, गुना में है, और dx के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करना है। तो जब इंटीग्रेशन करना है तो किसको हम मानेंगे u और किसको मानेंगे v। आप देख पा रहे होंगे 1 जो होता है, 1 को हम लोग रखते हैं अलजेब्रा में, याद रखिएगा अलजेब्रा में रखते हैं। और साइन इनवर्स एक्स जो हुआ, इसको रखते हैं दोस्त इनवर्स में, नाम से नहीं दिख रहा है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, तो इनवर्स की कैटेगरी में हुआ। और ये किस कैटेगरी में हुआ, ये हम लोगों को 1 जो हुआ अलजेब्रा की कैटेगरी में हुआ। तो आप बताइए कि इलेट में, इलेट रूल से अगर आप चलिएगा, तो ए आई और ए में सबसे पहले कौन आया, तो आई और ए में सबसे पहले आई आया, तो आई जो होगा वो हम लोगों का यू बन जाएगा जो सबसे पहले आया। तो यहां लिख दीजिएगा कि हियर यू का मान हो गया साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और वी का मान हो गया खाली 1। तो अब u इंटू वी का आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। वहां पे हम लोगों ने सीखा था कि u को बाहर निकालते हैं, तो आप इसको बाहर निकाल दीजिए साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, फिर वी का इंटीग्रेशन यानी कि 1 का इंटीग्रेशन माइनस डाल दिए, फिर बड़ा इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे ना हम लोग बड़ा इंटीग्रेशन कर दिए। फिर किसको करना है, तो u का डिफ्रेंसिएशन, तो u का डिफ्रेंसिएशन का मतलब साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करना है, और फिर इनटू में 1 का इंटीग्रेशन और पूरा का भी इंटीग्रेशन। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि सबको हम लोग u को वैल्यू इतना है, v का वैल्यू इतना है, सबको कहां पे रख दिया, फार्मूला पे रख दिया। अब सबको फार्मूला पे रखने के बाद अब हम लोग करेंगे कैसे वो देखते हैं। अब देख लो भाई, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और इनटू में 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, और माइनस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, तो 2 कहां आ जाएगा, बाहर। इसको चैन रूल पे भी कर सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में, और ये वाला ऊपर जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो उसको एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि इसका हम मन में कर ले तो 2 बाहर आएगा, तो साइन इनवर्स एक्स बचेगा पावर 1 और इनटू, फिर साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इनटू 1 का इंटीग्रेशन एक्स और पूरा का फिर डीएक्स, इतना मिलता है। ठीक है,
अब आप देख पा रहे होंगे कि साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर इनटू में एक्स और माइनस, फिर क्या हो रहा है? तो आप देख पा रहे होंगे कि इंटीग्रेशन यहां पे आप देख पा रहे होंगे टू कांस्टेंट है, तो टू तो बाहर निकल गया, अब अंदर में क्या बच रहा है इंटीग्रेशन के अंदर में? साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स और इनटू एक्स को वन से मल्टीपल किया एक्स बटा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब करना क्या है दोस्तों, फिर से आप देख पा रहे होंगे कि यहां तक के तो कोई दिक्कत नहीं, इधर तो इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन हमको करना क्या है, इसको इंटीग्रेशन करना है। तो इसको इंटीग्रेशन करना है तो इसको आप मान लीजिए आई वन, क्योंकि अब इसको इंटीग्रेशन करने के लिए भी आप देख पाएंगे कि फिर से यू इंटू वी लगाना पड़ेगा, यानी कि जब फाइनल आंसर करेंगे तो ये वाला तो रहेगा ही रहेगा, माइनस में टू तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अब इसका इंटीग्रेशन जो है हम अलग से करते हैं उसके नीचे, क्योंकि इसको हम लोग आई वन मान लिए हैं, तो आई वन का इंटीग्रेशन अलग करेंगे। तो यहां अब क्या बनेगा, आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स बटा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आप देख पा रहे होंगे कि ये किस कैटेगरी में आता है, तो ये इनवर्स की कैटेगरी में आता है, और ये एक्स बटा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर किस कैटेगरी में आता है, तो ये आता है दोस्तों अलजेब्रा, अलजेब्रा अलजेब्रा का जोड़ घटाव नहीं सीखे हैं, उसमें एक्स आता है, एक्स स्क्वायर आता है, रूट अंडर ये सब आता है, तो इसको हम लोग पूरा को कह देंगे अलजेब्रा और इसको कह देंगे आई। तो आई और ए में सबसे पहले इलेट में कौन आता है, तो आई सबसे पहले आता है, तो यहां से फिर लिखिएगा अगेन या फिर हियर, यहां पे यू का मान हो गया आई वाला, यानी कि सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स होगा, तो यू का वैल्यू हो गया साइन इनवर्स एक्स, और भी का मान कितना हो गया, तो एक्स बटा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। उसके बाद फिर से यू इंटू वी लगाइए, तो यू इंटू वी, हालांकि याद रखिएगा हम लोगों को ये वाला में ही इसका वैल्यू रखना है, ये और ये तो रहेगा ही रहेगा। तो चलिए मिटाते हैं, जब फाइनल आंसर करेंगे तो इसको हम लोग वहां पे नोट करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पे देखेंगे कि फिर से फार्मूला यू इंटू वी का लगाएंगे, तो फार्मूला क्या होता है कि यू को जो है ना बाहर कर लो, तो साइन इनवर्स एक्स को हम लोग बाहर कर लिए, फिर क्या है वी का इंटीग्रेशन कर लो, तो वी का इंटीग्रेशन का मतलब कौन सी, एक्स बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और माइनस, फिर से इंटीग्रेशन, और अब की बार यू का डिफ्रेंसिएशन, यानी कि यू का डिफ्रेंसिएशन मतलब डी साइन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स इंटू, और फिर इंटीग्रेशन छोटा में किसको, इसका एक्स बटा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि छोटा वाला जो इंटीग्रेशन भी का इंटीग्रेशन है ना, उसको हमको जरूरी है, तो यहां से आप क्या कीजिए, आप क्या कीजिए यहां पे कि रफ में जो है ना इसका वैल्यू उसके नीचे निकाल दीजिए, कि आखिर इंटीग्रेशन एक्स बटा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, तो नीचे वाला रूट में है ना वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मान लीजिए टी, ठीक है, तो इसको टी मानिएगा, तो वन का तो डिफ्रेंसिएशन जीरो, और माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होगा, तो माइनस टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी, हमको ऊपर खाली है एक्स डीएक्स, तो एक्स डीएक्स का मान कौन सी होगा, तो एक्स डीएक्स का मान हो जाएगा डी टी बटे में माइनस टू, ठीक है। तो जब आपको इतना मिल गया तो अब आप क्या कीजिए, इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स ऊपर क्या रख दीजिए, माइनस वन बाय टू डी टी, नहीं माइनस वन बाय टू डी टी चाहे डी टी बटा माइनस टू, जो भी लिख लो यहां डी टी बटा माइनस टू ही लिख लो, माइनस टू और बटा में रूट टी। अब वन बटा माइनस टू तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन, टी को जब ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा कितना, माइनस वन बाय टू डी टी। अब इसका फार्मूला क्या है कि माइनस वन बाय टू रखो इंटू टी के पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन, तो टी के पावर यहां वन बाय टू और नीचे भी वन बाय टू, तो नीचे वाला टू जो है
ऊपर जाएगा, या फिर बोल सकते हैं कि 1 बाय 2, और 1 बाय 2 क्या होगा, कट जाएगा, तो यहां बचेगा माइनस में रूट टी, है ना। माइनस का तो माइनस रहेगा, और ये 1 बाय 2 था ना, इसको माइनस रूट टी बना लिया, यानी कि इसका हो जाएगा माइनस रूट अंडर माइनस रूट अंडर टी, किसको माने हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले यहां पे देख पा रहा हूँ कि ये जो आया रूट अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस भी बाहर में है, तो ये किसका इंटीग्रेशन है, इसका ना। तो अब यहां पे लिख दो साइन इनवर्स एक्स इंटू, इसका आया है हम लोगों को माइनस रूट में, कितना रूट में आया है, कितना तो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस अब इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा हम लोगों को 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन होगा, और इसका खुद आया है हम लोगों को माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। तो ये वाला खुद निकल गया, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, यानी कि यह हो गया साइन इनवर्स एक्स, माइनस में माइनस आगे लगा दिए, और रूट हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस और ये माइनस प्लस, और 1 इंटू dx, ये तो कट गया ना पूरा, सॉरी ए, हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका पूरा का ना हम यहाँ पे लिख दिए, x बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोगों का आया खुद है इतना, तो इसके जगह पे इतना रख दिया और कट गया, तो प्लस 1 dx। अब यहां से आप देख पा रहे होंगे कि अब आएगा क्या, तो इसका वैल्यू आ गया माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन x, ठीक है। तो कुल मिलाकर अब फाइनल आंसर कैसे करेंगे, तो अब देखिए फाइनल आंसर जो हम लोग करेंगे फाइनली वो कैसे करेंगे, वो चीजें देख लीजिए आप। फाइनल जो आंसर होगा वो कैसे होगा, फाइनली हम लोगों का था पहले क्या, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, और माइनस 2 तो ऑलरेडी था पहले, और उसके बाद इसका कितना आया, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, ये माइनस 2 तो ऑलरेडी था पहले, और इसके जगह पे हम लोग स्पेशल इतना रख दिए, तो कुल मिलाकर आंसर कुछ ऐसा दिखा रहा है कि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू में एक्स, ठीक है, इंटू में एक्स, और माइनस यहाँ पे बच रहा है 2, सॉरी माइनस माइनस 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 2x प्लस c, इस तरीके से। तो आपको अब पता चल गया होगा कि u इंटू वी वाला जो रूल है वो एक बार ही नहीं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमको दो दो बार भी लगाना पड़ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको हड़बड़ाना नहीं है, आपको जहां भी लगे कि फिर से u इंटू वी लगेगा आपको दोबारा लगाना है u इंटू वी, और वो खुद ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ कटेगा, नहीं कटेगा तो फिर ऐसा करके आपको अलग से इंटीग्रेशन करके उसके जगह पे ना वैल्यू रखना पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 कि आखिर कैसे बनेगा, और आप ट्राई कीजिएगा तो आपको ऐसा लगता है कि आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं सब इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि दिखा पा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बोल रहा है, तो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में क्या है, तो एक्स कोस इनवर्स एक्स, एक्स है कोस इनवर्स एक्स है, और बट्टा है कितना, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको करना क्या है, सिंपल इसको हम लोग एक्स को इसको नीचे नहीं लिख सकते हैं, एक्स के नीचे लिख देंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इंटू में कितना कॉस इनवर्स एक्स, और पूरा का डी एक्स, समझ में आया। अब इसको ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा दोस्त, ऐसा लिखने से बहुत बड़ा फायदा है,
आप इसको कह देंगे अलजेब्रा, ये हो गया ए और ये हो गया इनवर्स, जैसे कि अभी क्वेश्चन किए। तो इलेक्ट रूल से हम लोगों को आई सबसे पहले आता है ना, तो आई सबसे पहले आता है तब हम इसको इलेक्ट के अकॉर्डिंग इसको कर लेंगे यू, यानी कि यू का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों को कॉस इनवर्स एक्स, और वी का वैल्यू हो जाएगा एक्स बटा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यू और वी हम लोगों को पता चल गया कि क्या क्या होगा। तो फिर वही फार्मूला, यू को बाहर करेंगे वी का डिफरेंशिएशन, ऐसे करके हम लोग ना यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको 11 नंबर जो क्वेश्चन बनाना है, जैसे अभी हम क्वेश्चन बनाए 10 नंबर, सेम वही है। हम तो ऐसा बोल रहे हैं कि आप बनाओ क्वेश्चन 12, 13, 14, 15, सब में वही है भाई। जैसे एक 14 नंबर क्वेश्चन है, एक्स है और लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसको तुम रखना अलजेब्रा में और इसको लिखना लॉग में, क्योंकि लॉग आया है। तो डिसाइड कर लेना कि इलेट में सबसे पहले कौन आ रहा है, तो यहाँ इलेट, तो इसको कर लेना यू और इसको कर लेना भी। तो कुल मिलाकर बहुत इजी वे में ये सवाल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, अच्छा 15 नंबर में है एक्स स्क्वायर प्लस वन और इनटू में है लॉग एक्स, तो ये तो और सिंपल है, ये हो गया तुम्हारा एल और ये हो गया अलजेब्रा टोटल। तो अलजेब्रा और एल में देख लीजिएगा, इसको मान लेंगे यू, इसको मान लेंगे भी और फार्मूला पे पुट कर देंगे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ नया चीज क्या आया है, तो इलेट और बाई पार्ट रूल, यानी कि यू इंटू वी का फार्मूला, और कुछ नहीं है दोस्त। तो आप घर पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, गलती होंगी नो डाउट्स, लेकिन आप प्रयास करो कि हम भी बना सके, हम भी इलेट रूल को सीख सके, बाई पार्ट रूल को सीख सके। तो दोस्तों आपको मेरे हिसाब से 15 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। 10 नंबर तो फुली हम सॉल्व कर दिए हैं, 11 में हिंट्स दे दिए हैं, 12, 13, 14, 15 सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है। यू इंटू वी डिसाइड करने के बाद आपको फार्मूला पे बैठाना है। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, और फिर आप खुद से ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 15 तक, नहीं बनेगा डायरेक्टली हमसे पूछा करो, और बाकी के फिर अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 से आगे हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि 15 तक आपको हर हाल में बनाना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।